दोस्तों, अगर आप विराट कोहली के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको बता दें कि कप्तानी की बड़ी बहस को लेकर विराट कोहली के लिए रहाणे ने दिल जीतने वाली बात कह दी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि कप्तानी टीम इंडिया की रहाणे को दी जाए या फिर विराट कोहली को। इस पर खुद रहाणे ने ही अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ खास कह दिया है ऐसा जिससे सभी का दिल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत में अपनी कप्तानी से दिल जीतने वाले अजिंक्य रहाणे ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी टीम के कप्तान विराट कोहली हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही वो कप्तानी करके खुश हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में रहाणे फिर उपकप्तान होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद फिर उपकप्तानी संभालते हुए उनके लिए क्या अलग होगा, ये पूछने पर रहाणे ने कहा कि कुछ भी नहीं, विराट टेस्ट टीम के कप्तान थे और रहेंगे। मैं उपकप्तान हूं, उनके नहीं होने पर मुझे कप्तानी दी गई थी और मेरा काम टीम इंडिया की कामयाबी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। उन्होंने कहा कि सिर्फ कप्तान बनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, कप्तान की भूमिका आप कैसे निभाते हैं वो ज़्यादा अहम है। अभी तक मैं सफल हूँ और उम्मीद है कि भविष्य में भी अच्छे नतीजे दे सकूँगा। रहाणे की कप्तानी में भारत ने 5 में से 4 टेस्ट जीते हैं। कोहली से अपने संबंध के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा और विराट का तालमेल हमेशा अच्छा रहा है, उसने समय समय पर मेरी बल्लेबाजी की तारीफ की है, हमने टीम के लिए भारत में और विदेश में कई यादगार पारियां खेली हैं, वो 4th नंबर पर उतरते हैं और मैं 5वें नंबर पर, इसलिए हमारी कई साझेदारियां साथ बनी हैं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा एक दूसरे के खेल का सम्मान किया है। साथ ही अब रहाणे ने उनकी तारीफ करके विराट कोहली की तारीफ करके दिल जीत लिया है सबका और साफ तौर पर कह दिया है कि वो उपकप्तान ही ठीक है जब तक विराट कोहली कप्तान है। दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।